नमस्कार, मैं हूं विभास यादव और आप देख रहे हैं जौनपुर कवरेज न्यूज। मेरे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व सांसद तूफानी सरोज जी हैं। इनसे कुछ मुद्दों पे बात होगी। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपको भाई विभास जी। सर, समाजवादी पार्टी की इस समय तैयारी क्या है विधानसभा चुनाव को देखते हुए? समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि भाजपा वर्सेस सपा का चुनाव है और भाजपा के सामने जो है समाजवादी पार्टी लड़ रही, जिसकी वजह से तमाम छोटे छोटे दल जो है समाजवादी पार्टी से हाथ मिला रहे हैं और भी बहुत से लोग हाथ मिलाने की कतार में है। बड़े ही जो है मतों से पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। हम कम से कम 350 से ऊपर जीत करके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है 2012 का जो उसका इतिहास था, 2012 के ही लक्ष्य पर रह जाएगी। इतना सीटें 2012 में पाई थी। किन किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी चुनाव में उतर रही है इस बार? हमारे मुद्दे बहुत हैं, विकास के मुद्दे हैं, हम विकास में विश्वास करते हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लिया था। उन्होंने संकल्प लिया था हम उत्तर प्रदेश को विकास के रथ पे ले चलेंगे। जो भी विकास अधूरा है, जो उन्होंने 2012 में कहा था उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लिया था, उस संकल्प को हम 2022 में सरकार बनने को पूरा करेंगे। आपको भरोसा है इस बार सरकार बन जाएगी? समाजवादी पार्टी सरकार बन जाएगी पूरा भरोसा है। ये सारे लोग गांव-गांव तक समाजवादी पार्टी ये बनेगी कैसे सर? भरोसा तो है आपको? क्या इस बार क्या ऐसा अलग आप दिख रहे हैं कि जिसके भरोसे आप सरकार बन जाएगी? ये भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कुछ किया नहीं, इसकी जबरदस्त इनकमेसी है। समाजवादी पार्टी के शासन काल में जो काम हुए है उसी का इन्होंने जो है उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है, एक भी काम इन्होंने पूरा नहीं किया। उदाहरण के तौर पर आप बताना चाहूंगा, ये पूर्वांचल का बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने दिया था माननीय अखिलेश जी ने जौनपुर में, और जो काम हुआ सपा की सरकार में उसी काम के बाद फिर काम पूरा नहीं हुआ। अगर ये काम 5 साल में भाजपा सरकार पूरा कर देती तो जौनपुर नहीं पूर्वांचल कई जिलों को लोग जो है इलाज कराने में सुविधा होती। जब ये जो है काम शुरू किया हुआ बंद कर दिया तो ये बता दे पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल में कौन सा काम किया, कौन सा उद्घाटन किया। ये दूसरे के कामों को समाजवादी पार्टी कामों का इन्होंने शिलान्यास का उद्घाटन किया। अभी अमूल प्लांट का इन्होंने आज शिलान्यास किया, अभी सपा सरकार के लिए ना सपा शासन में स्वीकृत हुई थी, किसानों के जमीन के विवाद की वजह से रुक गई थी, नहीं तो ये अखिलेश जी इसका उद्घाटन करने वाले थे। सांसद जी, बीजेपी तो कह रही है कि उसने विकास किया है, एक्सप्रेसवे बनवाए हैं, गरीबों को खाद्यान्न भी दे रही है, फिर कैसे मुकाबला कर पाएंगे आप सब? खाद्यान्न की योजना जो है राजीव गांधी ने चलाया था, वो तब से खाद्यान्न योजना चल रही है। इसलिए इन्होंने कहा है कि हम मार्च तक जो है फ्री देंगे, हम कहे कि हम पूरे 5 साल तक फ्री देंगे खाद्यान्न योजना, पूरे 5 साल तक फ्री करेंगे। विकास जो इन्होंने कहा एक्सप्रेस बनवाए, तो इनसे बड़ा एक्सप्रेस हमारा टेस्ट है जो है आगरा से लखनऊ, तो एक्सप्रेस बहुत पहले बन चुका था। तो ये विकास हम विकास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी बकवास करती है, बकवास की पार्टी है। योगी जी कह रहे हैं कि चाचा और भतीजा जो मिल गए हैं, ये कह रहे हैं कि जाति और धर्म के आधार पर नौकरियां बांटते थे, इस पर क्या कहेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी मोदी आरएसएस संघ के इशारे पर जो कर रहे हैं वो दूसरों को अपनी जो है बात दूसरों पर थोपना चाहते हैं। आप ये देखिए जो है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो है, अभी ये 31 डायरेक्ट आईएएस की नियुक्ति हुई है, डायरेक्ट आईएएस की नियुक्ति हुई है, और भारतीय जनता पार्टी आईएएस का पद देश का सबसे बड़ा ब्रेन माना जाता है, उस पर लिखित परीक्षा न करा करके अपने चहेतों को भारतीय जनता पार्टी में सब के सब 3100 अगड़ी जात के लोगों को, आज जो धर्म जात की बात करते हैं धर्म जात पर नियुक्ति होती थी, ये 31 डायरेक्ट आईएएस जो है बिगर परीक्षा के बना दिए गए, सबके सब अगड़ी जात के, अगड़ी जात बनाया गया। क्या पिछड़ी जात भी बैकवर्ड दलित भी पढ़े लिखे नहीं थे? ये सबका साथ सबका विकास नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, ये सबका साथ भाजपा का विकास, सबका साथ अगड़ों का विकास, इन्होंने बैकवर्ड दलित भी कुछ किया नहीं है। इसलिए बैकवर्ड दलित आज जो है अपने हक अधिकार की लड़ाई लेने के लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी को पूरा सुटेबल प्लेटफॉर्म समझ रहा है, और समाजवादी पार्टी प्लेटफॉर्म पर बैकवर्ड दलित पूरा खड़ा हो गया है। बसपा एकदम खत्म हुई है, बसपा का भी वोटर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया है। एक अंतिम सवाल हमारा है, आप सांसद भी रह चुके हैं,
आप जलधई क्षेत्र में काफी काम किया है, आपको लोग याद करते हैं, कई ट्रेनों का स्टॉपेज आपने कराया है, तो क्या इस बार आप विधानसभा चुनाव में कहीं से आ सकते हैं या कहीं से मन बनाया है आपने? नहीं, मन क्या है कि हमने कहीं आवेदन नहीं किया है, हम लोग इतने पुराने हैं कि आवेदन करने का हम लोगों को वो नहीं है, औचित्य नहीं बनता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा तो उनके आदेश का पालन किया जाएगा चुनाव लोगों का। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ सांसद, पूर्व सांसद तुफानी सरोज जी थे।